लकवा या पैरालिसिस क्या है, क्यों होती है ये बीमारी और आजकल ये बीमारी इतनी ज्यादा लोगों को क्यों हो रही है। और आए दिन हमें खबर सुनते रहते हैं कि उस व्यक्ति को लकवा मार गया, बट असल में ये लकवा है क्या। दोस्तों आज भारत में काफी उम्र के लोग लकवे के शिकार हो रहे हैं और एक रिपोर्ट की माने तो भारत की जनसंख्या के 2.2% पुरुष हर साल लकवे के शिकार हो जाते हैं और जबकि 1.9% महिलाएं भी इस बीमारी की गिरफ्त में आ जाती हैं। लकवा एक ऐसी बीमारी है जो अगर एक बार किसी व्यक्ति को हो जाए तो समझो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कई लोगों का आधा शरीर पैरालाइज हो जाता है और इस वजह से उनकी आधी बॉडी काम नहीं करती है, यानी कि उनकी आधी बॉडी में किसी भी तरह की कोई हरकत नहीं होती और जबकि कुछ लोगों की पूरी बॉडी ही पैरालाइज हो जाती है और ऐसा होने पर वो व्यक्ति बिस्तर से हिल भी नहीं पाता है और एक जिंदा लाश बनकर रह जाता है। लेकिन सवाल आता है कि ये लकवा या पैरालिसिस होता क्यों है, ऐसा क्या हो जाता है कि अचानक किसी व्यक्ति को लकवा मार जाता है। दोस्तों वैसे तो हमारे शरीर के अंदर कई सारी नसें होती हैं, लेकिन हमारे शरीर में करीब 34 नसें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं और इन्हीं में से कुछ नसें हमारे नर्वस सिस्टम को भी कनेक्ट करती हैं, यानी कि हमारे दिमाग को। और कभी अगर किसी वजह से नर्वस सिस्टम की नसों में कोई ब्लॉकेज आ जाए तो ऐसी कंडीशन में खून हमारे ब्रेन तक नहीं पहुँच पाता है। हमारे शरीर की ये वो नसें होती है जो सभी इन्फॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक पहुंचाती हैं, लेकिन जब ये नसें अचानक से ब्लॉक हो जाती हैं तो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती है और इस वजह से हमारी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। दोस्तों इसके अलावा भी और भी कारण है जिस वजह से लोगों को लकवा मार जाता है। कई बार जब हमारे शरीर की किसी अंग की नस में गांठ पड़ जाती है तो खून ब्लॉक होने लगता है, तो ऐसी कंडीशन में भी खून का बहाव हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है, तो इस वजह से भी लोगों को लकवा मार जाता है। ऐसे ही दोस्तों हमारे इंसानी शरीर में ज्यादातर नसें कमर के पास होती हैं और अगर इन नसों में चोट आ जाए तो ये डैमेज हो सकती है और इस वजह से भी वो इंसान पैरालाइज्ड हो सकता है। उसके अलावा आपने कई लोगों के मुंह से ये सुना होगा कि उनके दिमाग की नसें फट रही हैं। वैसे अधिकतर लोग ऐसा फ्रस्ट्रेशन में कहते हैं, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी हो कि कई बार दिमाग की ये नसें असल में फट जाती हैं और ऐसा ज्यादातर उन लोगों के साथ होता है जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है। दरअसल हमारे शरीर के बाकी अंगों की तुलना में हमारे दिमाग की नसें काफी पतली होती हैं और जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है तो कई बार खून के ज्यादा प्रेशर की वजह से दिमाग की नसें फट जाती हैं और इस वजह से वो पैरालाइज हो जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी एक्सीडेंट की वजह से किसी व्यक्ति के दिमाग में चोट आती है जिस कारण दिमाग की नसों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है तो ये भी एक वजह है जिस कारण लोगों को लकवा मार जाता है। वैसे लकवे के आमतौर पर दो कारण माने जाते हैं। इसमें एक कारण है ब्रेन हेमरेज, यानी ब्रेन में जाने वाली ब्लड की पाइप फट जाना, और दूसरा कारण है नसों या ब्लड पाइप में कोई ना कोई ब्लॉकेज हो जाना। वैसे अधिकतर केस पाइप ब्लॉक होने वाले ही होते हैं, यानी कि अधिकतर लोगों को इसी वजह से लकवा मार जाता है। और एक रिपोर्ट की माने तो 85% लकवे के केस ब्लड पाइप ब्लॉक होने की वजह से ही होते हैं और जबकि 15% मामले अन्य कारणों की वजह से होते हैं। एक हाथ और एक पैर, इस तरह के लकवे को हेमिप्लीजिया कहा जाता है और इसकी सबसे बड़ी वजह होती है दिमाग पर लगने वाली चोट या स्ट्रोक। और कई बार जब किसी वजह से नर्वस सिस्टम की नसों में ब्लॉकेज आ जाता है तो अभी लोग इस तरह के लकवे के शिकार हो सकते हैं। रीढ़ की हड्डी में चोट लगने की वजह से भी लोग इस तरह के लकवे के शिकार हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि अगर कोई व्यक्ति लकवे का शिकार हो जाता है तो क्या वो व्यक्ति ठीक हो सकता है, उसका इलाज किया जा सकता है और क्या वो पूरी तरीके से रिकवर कर सकता है। तो इसका सबसे पहला इलाज है जो स्ट्रोक हुआ है या जहाँ पर नसें फटी है या जिस जगह पर ब्लॉकेज हुआ है तो जो ब्लड वाली वो जगह है या जहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन प्रभावित हुआ है उसे ठीक करना। और अगर उसे ठीक कर दिया जाता है तो जहाँ पर ब्लॉकेज हुआ है उसके पार जहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है या ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन फिर से होने लगता है और इससे उस व्यक्ति की फिर से नॉर्मल होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर इसमें काफी समय बीत जाता है, ब्लड क्लॉट को जमे, नसों को फटे, ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है या ब्रेन के टिश्यूज डैमेज हुए तो ऐसा होना ऑलमोस्ट इनरिवर्सिबल हो जाता है और इसमें फिर दूसरा तरीका इस्तेमाल में लाया जाता है जैसे कि फिजियोथेरेपी और मालिश वगैरह और लगातार एक्सरसाइज। इसमें बहुत सारी थेरेपीज का इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, चलने का तरीका सिखाया जाता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस तरह से हमें बचपन में चलना सिखाया जाता है ठीक वैसे ही इसमें होता है, यानी कि इसमें ये सिखाया जाता है कि हमारे पैर और हाथों को मूव कैसे करना है और एक काफी कॉम्प्लिकेटेड और लंबा प्रोसीजर होता है और कि केसेस में 100% रिकवरी देखने को भी मिलती है। लेकिन ऐसा बहुत ही कम मामलों में होता है क्योंकि एक बार अगर दिमाग के टिश्यूज में डैमेज हो जाए तो उन्हें पूरी तरह से रिकवर कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों लकवे की बीमारी से बचने का सबसे अच्छा उपाय है नमक कम से कम खाएं, अपना वजन बढ़ने ना दें, उसे कंट्रोल में रखें, साथ ही मीठा और नमकीन ये दोनों ही कम खाएं। कुल मिलाकर कहा जाए तो आप अपने आप को फिट रखें और एक सबसे जरूरी बात एक अच्छी लाइफ जिए और खुद को दुनिया भर की टेंशन से दूर रखें। कंटिन्यू एक्सरसाइज करने से स्ट्रोक से बचा जा सकता है।